नमस्ते, आपका मिनी ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाने जा रही हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कहाँ से हूँ। मैं यूपी से हूँ और इटावा जिला औरैया में मेरा मायका है और क्या कहते हैं, ससुराल भी मेरी वहीं अगल बगल में ही है। ठीक है, तो और मेरे परिवार में कौन कौन है मैं ये भी बता देती हूँ आप लोगों को। और मेरा क्या कहते हैं, हम दो हमारे दो हमारी फैमिली में बस इतना ही है। ठीक है, और उसके बाद मेरे मायके में तो बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत अच्छी, मतलब बहुत बड़ी फैमिली है। और हमारे हम 7 बहन हैं, 4 भाई हैं और मेरे मम्मी पापा भी हैं। और अभी आपने वीडियो में देखा भी होगा कि मेरे पापा आए हुए थे, मतलब मेरे दद्दा आए थे, हम उनको दद्दा ही बोलते हैं। पर जब किसी किसी को नहीं पता होता है तो उनके लिए बताना पड़ता है कि मेरे पापा है। ठीक है, तो अब 15 तारीख से नवरात्रे लग रहे हैं और शनिवार को श्राद्ध हैं। तो इस दुनिया में जो नहीं होता है उनके लिए खाना पीना बनाते हैं। तो गाइज, मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरी सास नहीं है, ससुर नहीं है, मैं उनकी पूजा करती हूँ। और फ्रेंड आप लोग, और ये भी बताना कि आप लोग कैसे रहते हैं, क्योंकि जिनकी सास ससुर होते हैं उनके घर में मतलब बहुत ही सारा होता है हर काम का। अच्छा, तो घर में कोई बड़ा बूढ़ा होता तो एक फायदा तो जरूर है कि हम मतलब आप लोग या हम लोग कहीं भी जाएं कहीं भी आएं कोई टेंशन नहीं होती है कि घर में एक बंदा चाहिए ही चाहिए। जब कहीं जाना होता जिनके घर में बड़े बूढ़े नहीं होते, बहुत टेंशन होती है कि घर में कौन रहेगा, घर कैसे, किसके पास कैसे क्या करें, तो बहुत मजबूरी होती है। इसलिए जिनके घर में बड़े बूढ़े हैं उनकी मतलब इज्जत करो और उनका ध्यान रखो, हर तरह से उनकी सेवा करो, ताकि आप लोग के घर में बड़ा बूढ़ा होता एक रौनक होती है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो प्लीज आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मैंने ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी है कि बहू के कहने पर बेटे उनके गए, कपड़े भरे थैले में और कहीं कहीं छोड़े, कहीं कहीं छोड़े। तो प्लीज अपने माँ बाप के साथ ऐसा बिल्कुल मत करें। पर मेरे माँ बाप तो इतने लकी है क्योंकि उनके 7 बेटियां 11 बच्चे, वो तो कहीं ना कहीं रह ही लेंगे, एडजस्ट उनका तो हो ही जाता है। लेकिन मेरे दद्दा मेरी अम्मा रहती ही नहीं है, बात ही है। हम लोगों को अच्छा लगता है जब वो आते हैं, इंजॉय करते हैं, 2-2 घंटे बैठ के उनके पास हम लोग बात करते हैं, खूब मजे लेते हैं। पर जब तक सही है, ठीक है। अभी उनकी तबीयत खराब थी, आँख आँख का ऑपरेशन हुआ था तो ही दिल्ली में दीदी ने करवाया था, अब वो घर चले गए हैं और या इस टाइम। तो गाइस अब बताओ, और बस यही है कि जिनके घर में माँ बाप हैं बड़े बूढ़ों का ध्यान रखे, ये मत समझे बहुएं, ये मत समझे कि ये मेरे कौन से माँ बाप हैं, उनको अपना ही माँ बाप समझें। और बेटे भी किसी के कहने पर मत करें, अपने माँ बाप को दुखी मत करो कि दुनिया में यही सब कुछ है, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। अगर तुम अच्छे से रखोगे तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, अगर उनके साथ गलत बर्ताव करेगा तो गलत व्यवहार मिलेगा। बेवजह किसी को गालियां मत दो, परेशान मत करो, किसी के लिए कुछ उल्टा सीधा मत सोचो। कहा कहते हैं ना, किसी दूसरे के लिए तुम अगर गड्ढा खोदोगे तो तुम्हारे लिए खुद खुदेगा, तुम खुद ही गिरोगे उसमें। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ, मैं किसी के लिए ना बुरा बोलती हूँ ना मैं सुनना चाहती हूँ। मेरे लिए कोई कुछ भी बोले तो बोलता रहे, नो टेंशन, मुझे किसी चीज़ को टेंशन नहीं है। बस ये है कि भाई बेवजह किसी पे इल्ज़ाम मत लगाओ, प्लीज़ अपने अपने माँ बाप का ध्यान रखें और अपनी अच्छी सी लाइफ जिए। बस यही है, आप लोगों से यही गुजारिश है। और प्लीज़ मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट करती रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। नमस्ते। लोग कहते हैं ये करने से जन्नत मिलेगी, वो करने से जन्नत मिलेगी, मेरे लिए तो मेरी माँ ही मेरी जन्नत है और मेरे पापा उस जन्नत का दरवाजा। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना।